आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसे छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी बन जाती हैं? अगर हम छोटी चीजों को ही खत्म करें, छोटी छोटी फैमिली की चिक चिक, छोटी छोटी परेशानी, छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को खत्म करें, तो कभी चीज बड़े हो ही ना। तो क्या रोकेंगे आज हम, किन इश्यूज पर आज हम बात करेंगे, किन चीजों को जड़ से उखाड़ेंगे, ये बताती हूँ। बारिश के सीजन में आपके स्टमक को फिट रखेगी काली लौंग। अपने फादर को अपना आदर्श बनाएं और जानें कैसा है उनका नेचर। योग से बदल जाएगी आपकी जिंदगी। जानिए किस बीमारी में कौन सा करें आसन, कैसे सिंपल चीजें आपको ब्यूटीफुल स्किन दे सकती हैं, बेहद अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकती हैं। अपनी राशि के हिसाब से अपने कल को ठीक कीजिए। लकी टाइम पे किए जाने वाला कोई भी काम आपको लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप बनाना खाते हैं डेली या नहीं खाते? और नहीं खाते तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बताऊंगी बनाना कितने फायदेमंद है। पर इससे पहले ये जो लौंग आपकी किचन में है ना, इसके जादुई इफेक्ट्स जानिए। ऐसा मौसम हो रहा है, तबीयत खराब होगी ही, तो वॉमिटिंग आने पर, प्यास लगने पर एक लौंग मुंह में रखकर एक साइड पर रखिए, उसको सक कीजिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, भूख बढ़ती है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस का जो सोर्स है वो स्ट्रांग होता है। पेट में कीड़े हो तो एक लौंग धीरे धीरे चबाकर खाएं, कुछ ही टाइम में पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। चार राशियों की बात आपसे करती हूँ, आपको बताती हूँ कल किस टाइम पर क्या काम करें तो क्या फायदा होगा। पर इससे पहले बनाना की बात। पेट में जलन हो रही है तो 1/4 कप कर्ड में थोड़ी सी शक्कर मिक्स करें, पका हुआ केला मिलाकर खाएं, इससे आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। अब कॉन्स्टिपेशन हो तो क्या करें? एक कच्चे बनाना को टुकड़े टुकड़े कर दें, एक कप पानी में उसको बॉईल कर लें, ठंडा होने पर उसी पानी में बनाना को मैश कर लें और खाएं, कॉन्स्टिपेशन में इंस्टेंट आराम मिलेगा। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, ऑफिस बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि वहीं से तो पैसा घर आता है। तो हम ऑफिस में क्या कर सकते हैं, छुपते छुपाते या खुले में भी फंक्शनल टिप्स, ताकि आपके ऑफिस से आपके घर में पैसा जाए, आपको बताऊंगी कुछ ही मिनटों में। इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात हो जाए। मेष राशि के लोग पितरों के नाम से दान करें, ऐसा करने पर लंबे समय से जो प्रॉब्लम लटक रही है उसका सोल्यूशन निकलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। टॉरियंस वृषभ राशि के लोग किसी पर गुस्सा नहीं करें, गुस्सा करने पर आप ही का ज्यादा नुकसान होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:48 PM। मिथुन राशि के लोग अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें, कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकलेगी जिसके लिए दिनों दिन तक सॉरी बोलनी पड़ेगी, कंट्रोल योरसेल्फ। लकी टाइम इवनिंग 7:47 PM। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, रोटी पर देसी घी से ओम बनाकर खाएं, दिन भर आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:45 PM। आपकी फ्रेंड्स की क्या राशि है, ये तो आप उनके नाम से या डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। अगर उनको सरप्राइज करना है तो उनको बताइए कि उनके फादर का नेचर कैसे है। लोग आपके लिए हैरान हो जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे ये आपको पता कैसे चला। आपको बताऊंगी जोडियाक से फादर के नेचर के बारे में क्या पता चलता है। पर इससे पहले आपके ऑफिस से घर में कुछ पैसा लाते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए ऑफिस में फ्रेश ग्रीन प्लांट्स रखें, मनी प्लांट, बैम्बू। अगर आपका छोटा सा डेस्क है कोई बात नहीं, डेस्क पर कंपस रखकर देखिए नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, वहां रख दीजिए। अगर ऑफिस में आप फाउंटेन, वॉटरफॉल, रिवर्स, सी, इसकी तस्वीर लगाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको लोग आइडिया मेकिंग मशीन कहेंगे, आपका दिमाग कभी नहीं थकेगा। अगर ऑफिस की टेबल में, ऑफिस के केबिन में पहाड़ की तस्वीर साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं, तो आपकी पोजीशन ऑफिस में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके बॉस भी उसको हिला नहीं पाएंगे।
अगर आप ऑफिस में ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक या लाइट येलो में से कोई भी एक पेंट यूज करते हैं तो आपको फायदा होगा। पेंट नहीं यूज कर सकते, अपनी सीट के ऊपर इनमें से किसी भी रंग का टॉवल रखकर बैठ जाइए, आप बहुत स्टेबल महसूस करेंगे। ऑफिस में एक्वेरियम, चाइनीज कॉइन्स या बड़ी शिप की तस्वीर रखें। ये पॉसिबल नहीं है तो अपने डेस्कटॉप पर इनमें से कोई भी तस्वीर, खास तौर पे लाफिंग बुद्धा, लेकिन लाफिंग बुद्धा बैठे हुए ही होने चाहिए, चाहे डेस्कटॉप पे हो, टेबल पर हो या घर में हो। क्यों? लाफिंग बुद्धा मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ। तो खुशियाँ स्थिर ही अच्छी लगती है ना, खड़ी खुशी तो इनस्टेबल होगी। आप खड़े कब तक रह सकते हैं? खड़े होने का मतलब है कि जाना है, फटाफट, जल्दी है। तो सिटिंग लाफिंग बुद्धा को ही रखें डेस्कटॉप पे, टेबल पर, ऑफिस के केबिन में या घर पर। आपको कौन सी बीमारी है? जो भी है आप उसका लिस्ट बनाकर रखिए, या आपके किसी जानकार को है, किसी लव्ड वन को है, मेक अ लिस्ट। मैं आपको बताऊंगी कौन सी बीमारी में कौन सा आसन करने पर आप हेल्दी एंड फिट रहेंगे। पर इससे पहले आपकी राशि आपके फादर के बारे में क्या बताती है? मेष राशि वाले लोगों के फादर जोश और एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए इनके साथ आप कभी बोर नहीं हो सकते। बस ध्यान ये दें कि कभी कभी ये अपने आप पर फैसले थोपने की कोशिश भी कर देते हैं, तो मेष राशि वाले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को गाइड करें कि उनके पेरेंट्स, उनके फादर कैसे हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के फादर सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। अपने दोस्तों को टिप दें कि ज्यादा गलतियां करने से बचें, ये नाराज हो गए तो सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मिथुन राशि जेमिनाइज के फादर जो हैं, वो खुलकर बात करते हैं और अपना ज्ञान और अनुभव बांटते रहते हैं। आप खुद ही अलर्ट रहें, फन लविंग होने के कारण आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे आपके फादर। कर्क राशि वाले कैंसरियंस, आपके फादर हर जरूरत का काम पूरा करते रहेंगे, इनका प्यार आप पाते रहेंगे, पर अगर आप गलत फायदा उनका ना उठाएं तो ही आपके लिए अच्छा है। लियो सिंह राशि वाले, आपके फादर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, लोग इनसे प्रभावित रहते हैं। टिप क्या है? इनकी इस बात को पॉजिटिव ग्रोथ के लिए यूज करें। कन्या राशि वाले वर्गोस, आदर्शवादी फादर्स, आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाले। इनके सामने बेवजह की जिद करना और गलत बिहेवियर करने से बचें, ये सेंसिटिव हैं, हर्ट हो जाएंगे। तुला राशि वालों के फादर्स, आपके फादर्स बेस्ट फ्रेंड्स, सीक्रेट्स और परेशानियां शेयर करने वाले होते हैं। आप इनके फ्रेंडली नेचर की कदर करें और इन्हें पूरी रिस्पेक्ट दें। वृश्चिक राशि वाले, आपके फादर्स कैसे होते हैं? स्कॉर्पियंस के फादर सुरक्षा देने की बात और लॉजिक हर समय लगाते हैं। इनके लिए टिप ये है कि आप अपने फादर की बात माने, नहीं तो वो कठोर भी हो सकते हैं। धनु राशि वाले सैजिटेरियंस, आपके फादर बेहद कम उम्र में ही आजादी देकर आपको इंडिपेंडेंट बनाने में यकीन रखते हैं। आपके लिए टिप ये है कि खुद की मिली आजादी का मिसयूज नहीं करें। मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न्स, आपकी तरक्की के लिए बेहद फोकस्ड होते हैं आपके फादर। आपके लिए टिप ये है कि आप इनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ही बड़ा डिसीजन लें। कुंभ राशि वाले एक्वेरियंस, आपके फादर फन लविंग, नए आइडियाज देने वाले होते हैं। आपके लिए टिप ये है कि इनके आइडियाज की कद्र करें, इसमें राज छुपा है। मीन राशि वाले लोग पाइसेंस, आपके फादर आपसे बेहद प्यार करने वाले होते हैं, प्लीज इनके प्यार को मिसयूज ना करें, क्योंकि ये आप पर ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। आज तक मैं आपको आपके पॉजिटिव बताती रही, आज आपको बताऊंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से, न्यूमरोलॉजी से आप अपनी कमियों को कैसे जान सकते हैं ताकि उनको दूर कर सकें। पर इससे पहले बीमारी और आसन का कनेक्शन बताती हूँ। आप अपनी बीमारी के हिसाब से आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। नेचुरल बिना पैसे का तरीका है ये, इसको आजमाइए। जिसको भी हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है
उनके लिए ताड़ासन, कटिक चक्र आसन यानी कि खड़े होकर और लेटकर, या फिर एक पैर पर उत्तान पाद आसन, या फिर नौका आसन, बोट शेप आसन, पवन मुक्त आसन, ये तो हो गई आसन की बात। अब प्राणायाम बताती हूँ। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो अनुलोम विलोम, भामरी और ओम के जाप में ओ को लंबा बोलने से आपकी हार्ट प्रॉब्लम काफी हद तक कम होगी, आपके हार्ट में नेचुरल फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा। डायबिटीज अगर है, ये तो आम बात है, आजकल के समय में लाइफस्टाइल के हिसाब से ये आम बात है। आसन कौन सा करें? भुजंग आसन, वज्र आसन, मंडूक आसन, ये करने से आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। प्राणायाम लिखिए, प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये तीन प्राणायाम करने से आपकी डायबिटीज कम होगी और कंट्रोल होगी। मोटापा आजकल हर बीमारी की जड़ है, इसको दूर करने के लिए कौन सा आसन करें? सूर्य नमस्कार जरूर करें, इंटरनेट से देख सकते हैं। पवन मुक्त आसन करें, शल्भासन करें, ये करने पर, या फिर आप एक आसन और कर सकते हैं हस्त पादासन, इन सबको करने पर आपका मोटापा इंस्टेंटली कम होगा। अब प्राणायाम बताती हूँ, कपालभाति और भस्त्रिका करने पर भी आपका वेट रिड्यूस होगा। चार राशियों की बात आपसे करूंगी, पर इससे पहले न्यूमरोलॉजी आपकी कमी और उसको दूर करने का तरीका बताते हैं। आज मैं आपको फिर से लाइफ पाथ नंबर के बारे में बताऊंगी, डेट मंथ और ईयर को ऐड करें। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 6, 1980, तो 6 प्लस 8 अगस्त प्लस 1980 1980 इसको ऐड करें, टोटल आएगा 33, और इसको सिंगल नंबर पे रिड्यूस करेंगे तो 6। अब कमियों की बात करते हैं। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो दूसरों के नजरिए से आप सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिससे सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अपनी गलतियां आप सुन ही नहीं सकते। ये आपको इसलिए जरूरी है कि किसी स्टाफ को रख रहे हैं, किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, जरा जान तो लें उनकी कमियां क्या हैं। अब जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 है वो फैसले नहीं ले पाते, ओवर सेंसिटिव होने के कारण लोग इनको मिसयूज करते हैं, इंट्यूशंस को कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं। लाइफ पाथ नंबर 3 है तो दिमाग में कोई ना कोई स्कीम आपके चलती ही रहती है, सोच में बिखराव रहता है, बिना सोचे समझे काम कर देते हैं आप। लाइफ पाथ नंबर 4 है तो क्या कमियां होंगी, आप बहुत रिजिड हो जाते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ काम करने के कारण कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं। लाइफ पाथ नंबर 5 है तो फिर क्या होगा, तो हर वक्त रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, दिल दिमाग हमेशा शांत रह पाए, कभी कभी रियलिस्टिक नहीं रह पाते हैं आप। अगर लाइफ पाथ नंबर 6 है तो इसका क्या मतलब है, कभी कभी कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, ओवर सेंसिटिव है, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। अगर लाइफ पाथ नंबर 7 है तो हर चीज में लॉजिक ढूंढते रहते हैं, ओवर परफेक्शनिस्ट होने के कारण रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अगर लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आप डिटेल्स को इग्नोर करते हैं, इंपेशेंट हैं, इसके कारण जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। अगर लाइफ पाथ नंबर 9 है तो घर से ज्यादा दुनिया की परवाह करते हैं, जीवन की सच्चाइयों को कभी कभी इग्नोर करते हैं, कभी कभी बिना लॉजिक के फैसले ले लेते हैं। आज आपको बताऊंगी एक मैजिकल जेमस्टोन के बारे में, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं, पर इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज किसी छोटी बच्ची को, जरूरतमंद बच्ची को गिफ्ट दें, पेंटिंग बुक या कलर्स गिफ्ट करें, आपके जीवन में भी रंग आएगा। लकी टाइम नाइट 10:38 PM। कन्या राशि के लोग वर्गोस अपने पास ग्रीन कलर का हैंकरचिफ, रुमाल या ग्रीन पेपर रख लीजिए, आपको गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम इवनिंग 5:57 PM।
तुला राशि के लोग घर से निकलते ही गायत्री मंत्र का 108 टाइम्स मिनिमम चैंट करें, दिन भर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:49 PM। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन, सिर पर तेल लगाएं और तिल का तेल लगाते हैं तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे 10 ड्रॉप्स ही लगा लीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 8:48 AM। आज की स्पेशल ब्यूटी टिप क्या है, इंतजार कीजिए, बताती हूँ। पर इससे पहले एक मैजिकल जेमस्टोन के बारे में जानिए। आज मैं आपको बताती हूँ एक जेमस्टोन हेमेटाइट के बारे में। इसकी फोटोग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने ये बहुत सारे बच्चों को और टीनेजर्स को दिया। इसका फर्क ये पड़ता है कि जो लोग काम करते हैं, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनमें सेल्फ एस्टीम की कमी है, जैसे कुछ फीमेल्स हैं, हस्बैंड से मार खाती हैं, फिर उन्हीं के साथ रहती हैं, फिर मार खाती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं, इसको लो सेल्फ एस्टीम का शिकार कहेंगे। या जिन बच्चों की मेमोरी वीक है, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, फिजिकल मेंटल बैलेंस के लिए आप अगर बहुत परेशान रहते हैं तो हेमेटाइट को कुछ समय पहन कर देखिए, अपने साथ रख कर देखिए, आपको बेहद फायदा होगा। लास्ट की चार राशि वाले लोगों की आपसे बात करूंगी, पर उससे पहले ब्यूटी टिप। कोई भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहता, और बूढ़े कब दिखते हैं, जब रिंकल्स आते हैं। तो रिंकल्स को दूर करने के लिए कोकोनट ऑयल गर्म कर फेस पर मसाज करें। सिर्फ कोकोनट ऑयल और उसमें अगर रात को एक विटामिन ई का कैप्सूल भी तोड़कर अपने चेहरे पर लगाकर मसाज करते हैं तो रिंकल्स कम से कम 10 साल पीछे चले जाएंगे, अगर रेगुलर इसका यूजेज करते हैं। इसके साथ साथ एक और काम करें, बनाना, पके हुए बनाना को अच्छी तरह मसल कर क्रीम जैसे कंसिस्टेंसी का बना लें। फिर इसे आधा घंटा चेहरे पर लगा रहने दें, फेस को वॉश करें। इससे भी चेहरे पर टाइटनेस आती है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए पैसे के लिए क्या करें, बताती हूँ, लेकिन पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, पॉकेट में या पर्स में पीतल की कोई चीज रखें, पीतल का कोई चम्मच, कोई कॉइन, कुछ भी रख लीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:50 PM। मकर राशि के लोग केप्रिकॉन, मंदिर में भगवान के दर्शन करें, खास तौर पे माँ काली के, आपके दुश्मनों को कड़ा जवाब मिलेगा। आपका लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। कुंभ राशि के लोग फ्रेंड्स की बात माने, इससे आपको फायदा ही होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:52 PM। मीन राशि के लोग पाइसेंस, किसी को उधार ना दे, पैसे वापस नहीं आएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:50 PM। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या खास करें आपको बताऊंगी, पर इससे पहले मुझसे बात करने का तरीका जानिए। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका है, बस मेरी आईडी पर familyguru@itvnetwork.com इस आईडी पर अपनी मेल्स भेजिए। आप क्या जानना चाहते हैं, मैं किस बारे में बात करूं, क्या अच्छा लगा, कुछ सजेशन हो, अपनी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी हो मुझे भेज दीजिए। आज हम मनीषा का सवाल लेते हैं बिहार से। फादर इन लॉ की तबीयत खराब है, हस्बैंड परेशान रहते हैं, बात करते हैं मनीषा से। मनीषा एक काम करें, अपने हस्बैंड के गले में एक गोल्ड का स्क्वायर बनवाकर ऊपर लूप लगवाकर पहना दीजिए, वो रिलैक्स रहेंगे, फादर की तबीयत में भी थोड़ा बेटरमेंट आप फील करेंगी। चलिए जानते हैं वो तरीका जिससे आपके घर में आएगा पैसा। अपने घर में, शॉप में या शोरूम में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में एक फिश एक्वेरियम रखें। इस एक्वेरियम में 8 गोल्डन कलर की और 1 ब्लैक कलर की फिश रखें। आपको फाइनेंशियल गेन्स होने लगेंगे 2 महीने के अंदर अंदर, और पैसे कमाने की नई नई संभावना बढ़ेंगी। अगर बाय चांस एक फिश की डेथ हो जाए, मतलब एक फिश ना हो, उसको निकाल कर उसके बदले इमिजिएटली दूसरी फिश डाल दें। टोटल 9 फिशेज रहनी ही चाहिए। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर बात करते हैं कल की। कल आपको बताऊंगी कि बच्चों की बेटरमेंट के लिए क्या करें, रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने के लिए क्या करें,
खुशियों के लिए क्या करें, ढेर सारी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सबको शेयर करें, सबको टिप्स बताएं ताकि सबका भला हो। जितना शेयर करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।